एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस या इसे हम एक्सप्रेशंस भी कहते हैं। एक्सप्रेशंस कुछ एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेस क्या करते हैं, कोई वैल्यू, कोई रिलेशनशिप, यानी कि 4 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 7, इसका मतलब ये है कि x और y इसमें वेरिएबल है, ये कोई भी वैल्यू लेने में सक्षम है। साथ में ये जो वैल्यू लेंगे इसके साथ 4 का गुणा है, मल्टीप्लीकेशन है, और साथ में 7 जुड़ा हुआ। अब 2y माइनस 5 लीजिए, इसमें y कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, 2 और 5 कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि y में आप कोई भी वैल्यू डालिए, आपको ये 2y माइनस 5 कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। अगर देखा जाए तो y एक वेरिएबल है तो इनफाइनाइट वैल्यू ले सकता है, तो 2y माइनस 5 भी इनफाइनाइट काउंटलेस वैल्यूज आपको देने वाला है। जैसे ही आप y की वैल्यू चेंज करेंगे, 2y माइनस 5 आपको एक नई वैल्यू देगा। y के हिसाब से 2y माइनस 5 चेंज होगा। जैसे y में 2 डालिए तो 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 इज 4, 4 माइनस 5 कितना होता है, माइनस 1। इसी तरीके से y में 0 डालिए, यहां 0 करिए, 2 इंटू 0 क्या होगा, 0, 0 माइनस 5 इज माइनस 5, राइट। 2y माइनस 5 में और भी वैल्यू डाल के आप देखेंगे तो आपको अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। तो एक एक्सप्रेशन और नंबर लाइन का क्या रिलेशनशिप होता है, कैसे हम नंबर लाइन और एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप x प्लस 5 कहते हैं, इसका मतलब ये है कि आप x तक तो जा चुके हैं, साथ में आपको 5 और बढ़ना है, यानी कि वेरिएबल x, इसकी x पोजीशन मान लीजिए यहां से यहां तक, साथ में आप 5 भी जोड़ रहे हैं। 5 डेफिनेट है, x इनडेफिनेट है, x का कुछ पता नहीं है, x कोई भी वैल्यू हो सकती है। ऐसी x माइनस 4 करिए तो आप जो भी x लेंगे उसमें 4 आप पीछे जाएंगे, मतलब 4 यूनिट लेफ्ट, यहां 5 यूनिट राइट। 5 ऐड करने का मतलब आप दाईं तरफ जा रहे हैं, और माइनस 4 का मतलब अगर आप यहां पर देखें तो ये x अगर है तो 4 इंटू x मतलब 1x, 2x, 3x, 4x, 4x, राइट। अब 4x अगर आप प्लस 5 करना चाहे तो 5 इसमें जोड़ दीजिए, यहां से यहां तक 4x हो गया, और x माइनस 4 करना चाहे यहां तक x जाइए और यहां तक 4 ले लीजिए, x माइनस 4 ये हुआ। तो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ओरिजिन से लीजिए यहां पर 4 इंटू x यानी 4x यहां पर लीजिए, और साथ में 4 5 को ऐड कर दीजिए। टर्म्स फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट, आप 4x प्लस 5 पे ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या क्या चीज है। इसमें दो टर्म है, एक 4x है, एक 5 है। इन टर्म्स को ऐड करके आपका एक्सप्रेशन बन रहा है, राइट। ये जो टर्म्स है ये अपने आप आपस में भी खुद भी प्रोडक्ट हो सकते हैं। जैसे 4x है, 4 इंटू एक्स, 4 और x प्रोडक्ट है 4 इंटू x। जो टर्म 5 है वो केवल एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसका एक ही फैक्टर है 5। ऐसे 7x y माइनस 5x देखिए तो इसमें दो टर्म है, 7x y और माइनस 5x। क्या है, 5x नहीं लिखेंगे इसको, माइनस 5x लिखेंगे। तो जो टर्म 7x y है, इसमें 7 है, x है, y है, प्रोडक्ट है फैक्टर 7x और y का। जो न्यूमेरिकल फैक्टर है इसका 7, इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। 7x y में 7 जो है वो आपका कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट 7x y में 7 है। और इसी तरीके से अगर अगला टर्म देखें माइनस 5x, तो इसमें कोएफिशिएंट क्या है, माइनस 5, ये इसका कोएफिशिएंट है। मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स, एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म होता है उसे हम मोनोमियल कहते हैं, मोनो का मतलब होता है एक। एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स होते हैं उसे हम कहते हैं बाइनोमियल, बाई मतलब होता है दो, ये दो ये एक, पॉली मतलब एक या एक से ज्यादा। एक एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म्स होते हैं उसे ट्राइनोमियल कहते हैं, ट्राई मतलब तीन। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक नॉन जीरो कोएफिशिएंट होंगे, क्योंकि नॉन जीरो नहीं होंगे तो फिर एक वो कम हो जाएंगे, राइट, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। फिर से बताता हूं, इन जनरल अगर हम कोई भी एक्सप्रेशन ले जिसमें एक या एक से अधिक टर्म्स हो, जिसमें नॉन जीरो कोएफिशिएंट हो, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल में कितने भी टर्म्स हो सकते हैं, एक या एक से अधिक। जो एग्जाम्पल है मोनोमियल के, उसमें देखिए ये एक है, ये एक है, इसमें एक ही टर्म है, चाहे आप यहाँ पर वेरिएबल कितने भी लगाते रहिए। लेकिन जैसे आप इसको एल्जेब्रिक या आप एक कहेंगे ऑपरेटर से जोड़ेंगे,
जैसे आप प्लस कर रहे हैं, यहाँ प्लस कर रहे हैं दो बार, यहाँ प्लस 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 चार बार कर रहे हैं, तो ये बाइनोमियल हो गया, ये ट्राइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल के आगे आप क्वाड्रोनोमियल देने से अच्छा एक जनरल नाम ले देते हैं, उसका नाम पॉलीनोमियल हो गया। लाइक और अनलाइक टर्म, अब लाइक और अनलाइक टर्म मतलब ये होता है, पहले मैं आपको समझा दूं, दिखा दूं पहले, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। इसमें 7x, 14x, माइनस 13x ये लाइक टर्म है, 5x स्क्वायर, माइनस 9x स्क्वायर ये आपका लाइक टर्म है, ऐसी 7y और इसके साथ, 7y के साथ आपको कोई दिख रहा है, कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो y, जिसके साथ y हो, वो कोएफिशिएंट को भूल जाइए, बस वेरिएबल का ध्यान दीजिए। 7xy और माइनस 5xy लाइक टर्म है, लेकिन 7y और माइनस 9y स्क्वायर, 7 ऊपर वाले में, इसके साथ कोई भी लाइक टर्म नहीं। लाइक टर्म का मतलब होता है, अगर मैं लिखूं a इंटू एक्स, तो ये जो कोएफिशिएंट है इसको हम भूल जाएंगे, अगर मैं लिखूं bx इसको भी भूल जाएंगे, ये x x है तो हमारे ये दोनों लाइक टर्म हो गए। यहीं पर xy होता तो यार b को भूल जाते, xy है तो ये लाइक टर्म हो जाते, लेकिन xy स्क्वायर कर दूं इसको तो ये दोनों लाइक टर्म नहीं होंगे। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कैसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये दो है, इनको ऐड करना है, तो इसमें क्या करेंगे, हमें बस इस बात का ध्यान देना होगा कि 4x इस 9x से जुड़ सकता है, 5 इस माइनस 10 के साथ जुड़ सकता है, 7x स्क्वायर का कोई भी यहाँ पर टर्म नहीं है, तो 7x स्क्वायर के नीचे कुछ भी नहीं है, माइनस 4x के नीचे आप 9x लिख दीजिए, ऐसे 5 के नीचे 10 माइनस 10 लिख दीजिए, 5 माइनस 10, तो ये 7x स्क्वायर हो गया, ये माइनस 4x और 9x यानी कि 9x माइनस 4x यानी 5x हो गया, या 5 माइनस 10 यानी 5 माइनस 10 कितना होता है, माइनस 5, बस इसको लिखना है आपको। यहाँ पर हमने देखा कि हमने सेपरेटली एक एक चीज को जोड़ा है, तो ये अलग अलग टर्म है, क्योंकि हमारे पास मोनोमियल भी तो होता है, तो मोनोमियल की तरह से जोड़ दिया, फाइनली इसको हमने पॉलिनोमियल की तरह लिख दिया, जैसे 5 और माइनस 10, जैसे माइनस 4x और 9x, ऐसे हमने जोड़ा। ऐड करना है हमको ये टर्म, इसमें क्या करेंगे, एक्स वाई के साथ एक्स वाई लेंगे, कोई एक्स वाई इसमें है नहीं है, कोई एक्स वाई इसमें है, यस ये वाला है, तो ये 7xy और माइनस 2xy को एक साथ लिखेंगे। देखिए यहाँ ऊपर नीचे लिखा हुआ है, 5yz को देखते हैं, साइन बिल्कुल ध्यान रखिएगा, साइन जरूर लिखना है, yz है यहाँ पर, हाँ यहाँ yz है, यहाँ है, यहाँ yz नहीं है, तो 5yz के नीचे हम 4yz लिखेंगे, 5yz के नीचे 4yz, ऐसे ही zx पे आएंगे, माइनस 3zx, यहाँ zx 9zx, यहाँ भी माइनस 3zx है, ये x पहले है, यहाँ पर x पहले है, z बाद में, एक ही बात है, x into z is nothing but z into x, एक ही बात है। तो अब ये वाला टर्म 3zx, 9zx और माइनस 3zx, ये तीनों ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये तीनों टर्म खत्म हो गए, यहाँ दो टर्म खत्म हो गए, माइनस 4y के साथ कुछ है, कुछ नहीं है, तो माइनस 4y को अलग लिख दिया, ऐसे 5x के साथ कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, इसको अलग लिख दिया। अब जोड़ेंगे 7 और माइनस, अब जोड़ेंगे कैसे, xy को अब जोड़ते समय या घटाते समय xy को भूल जाइए, xy को भूल जाइए, 7 माइनस 2 करिए, 7 माइनस 2 5xy, इसी तरीके से 5 और 4 को लीजिए, बाकी yz को भूल जाइए, 5 और 4 9, माइनस 3 9 और माइनस 3 कितना होता है, 9 माइनस 6 यानी कि 3, zx को भूल गए लेकिन बाद में लिख दिया, 5x माइनस 4y ऐसे लिख देंगे, ये आपका रिजल्टेड टर्म होगा। ऐसे अगर इनको आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे, देखिए a माइनस बी, ये ध्यान रखिएगा, मैं अगर a माइनस और माइनस बी करता हूं तो a प्लस बी हो जाएगा, बस ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो हम पहले इस टर्म को लिखेंगे, ये हमने एक टर्म लिख दिया, अब ये टर्म क्या है कि ये बड़ा टर्म है, तो बेटर ये रहेगा हम इसको पहले लिखें बाद में इसको लिखें, पहले हम इसको लिख देंगे। अब इसको उठाते चलते हैं, 7x कर दीजिए, 5x का लिख दीजिए, और 4y² वाला कोई है, यस 8y² के नीचे माइनस 4y² लिख दीजिए, ऐसे ही आपका नेक्स्ट है आपका माइनस 4xy, यहाँ कोई माइनस 4xy नहीं है तो उसको खाली छोड़ दीजिए इसके नीचे। अब अगला है आपका ये 5x का कोई टर्म नहीं है, 5x को खाली छोड़ दीजिए, ऐसे माइनस 3xy, 3 माइनस 3y माइनस 3 लिख दीजिए, माइनस 3y के साथ माइनस 6, ये प्लस 6y है, ये दोनों लिख दीजिए, माइनस 3 अलग कर दीजिए, 7 और 5 12, लेकिन अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस करेंगे, तो 7 माइनस 5 बेसिकली 7 माइनस 5 कर दीजिए, हर नीचे वाले का साइन बदल दीजिए, बस इतना ही करना है आपको, ये जो साइन दिख रहे हैं इसका मतलब है इसको करिए माइनस, इसको करिए प्लस, इसको करिए माइनस, इसको करिए प्लस, बस सबके साइन चेंज कर दीजिए और ऐड कर दीजिए, 7 माइनस 5 कितना हुआ 2, माइनस 4 ये तो ऐसे आ जाएगा, 8 प्लस 4 12, 5 डायरेक्ट आएगा, माइनस 3 और माइनस 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस 9, और ये 3 आ जाएगा, ये आपका फाइनल टर्म है।
मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का? इस पैटर्न को देखिए जो डॉट्स के हैं, आपने क्या किया, देखिए यहां पर आपके यहां से जो रोज है वो चार है, कॉलम कुल मिला के यहां से यहां तक नौ है, तो ये फोर है ये नौ है, आपको गिनना है, तो एक एक को मत गिनिए, फोर इंटू नाइन कर दीजिए, नाइन फोर 36 आ जाएगा। ऐसे यहां पर कितने रोज है, एक दो तीन चार पांच, पांच रोज हो गए, एक दो तीन चार पांच छह सात, सात फाइव इंटू सेवन, सेवन फाइव 35, टोटल नंबर ऑफ डॉट्स यहां मिल जाएंगे। अब यहां पर देखिए m इंटू एन, यानी कितने भी रोज हैं कितने कॉलम्स हैं, नो रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको m इंटू एन मिल जाएगा। अब थोड़ा सा और इसमें पढ़ते हैं, देखिए ये m प्लस टू है, राइट, आपने क्या किया एक m लिखा और साथ में दो और जोड़ दिए, ये n प्लस थ्री हो गया, मान लीजिए n है, इसमें तीन और जोड़ दीजिए, ये इसकी इसके इसके आगे तीन और जोड़े हमने, ये और इसके आगे दो और जोड़े, मतलब ये इसके नीचे दो और जोड़े वो यहां पर है, ठीक, तो ये m प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री हो गया। बस यही तो चीज जाननी है, m इंटू एन एन प्लस टू, यानी कि कॉन्स्टेंट के साथ आपने वेरिएबल जोड़ दिया, कॉन्स्टेंट के साथ वेरिएबल जोड़ दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, हुआ क्या, m प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री, बात सेम है जैसे m इंटू एन कर रहे हैं। इसी तरीके से आप और भी सिचुएशन समझिए इसको, जैसे आपने कहा ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, एल इंटू बी आपका क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, आपने कहा मैं एल को पांच जोड़ देता हूँ और बी को तीन से घटा देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, एल प्लस फाइव इंटू माई बी माइनस थ्री, ये आपका सिचुएशन हो गई, राइट। इस तरीके से वॉल्यूम भी कर सकते हैं हाइट निकाल के। अब सरिता जो है ये पॉइंट आउट करती है कि जब हम खरीदेंगे हमको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है, जैसे जो प्राइस है बनाना का वो है पर डजन, मतलब 12 आएंगे पी में, जो स्कूल पिकनिक है उसके लिए जेड डजन चाहिए तो कितना पे करना पड़ेगा, पी इंटू जेड। अब जब एक साथ खरीदे तो उन्होंने कहा कि ₹2 जरा कम लगेंगे, राइट, सपोज द प्राइस पर डजन वाज लेस बाय टू, मतलब पी माइनस टू कर दीजिए, प्राइस अगर ₹2 कम है तो हमको चार डजन चाहिए, हमको चार डजन कम लगेंगे तो जेड माइनस फोर कर दीजिए, अगर ₹2 कम है तो जेड माइनस फोर, तो अब प्राइस कितना हो जाएगा, पी इंटू जेड तो कर रखा था ना हमने, P में माइनस टू किया, Z में माइनस फोर किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इतना पे करना पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल, दो मोनोमियल को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मोनोमियल जिसमें एक ही टर्म होता है, एक ही टर्म होगा, उस टर्म में कांस्टेंट भी हो सकता है, कांस्टेंट और वेरिएबल होंगे, तो जैसे ये टर्म है 4 इंटू एक्स, इसका मतलब क्या होगा, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 4x यही तो हुआ, तो 4 इंटू थ्री एक्स क्या हुआ, तीन एक्स को चार बार जोड़ दीजिए, थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स, ये फोर इंटू थ्री एक्स क्या हुआ, ये इसको जोड़िए 12x, ये तो आएगा, बात क्या है, फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, ट्वेल्व इंटू एक्स, यही तो आ गया, एक्स इंटू थ्री वाई का मतलब ये क्या करिए, एक्स अलग है, थ्री है अलग है, वाई अलग है, तो एक्स को इधर ले आइए, वाई को इधर ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, थ्री एक्स वाई कर दीजिए इसको, फाइव एक्स इंटू थ्री वाई, फाइव थ्री फिफ्टीन, एक्स वाई को यहाँ लिख दीजिए, फिफ्टीन एक्स वाई, ऐसे फाइव इंटू माइनस थ्री, कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और एक्स वाई तो खैर बना रहेगा, माइनस फिफ्टीन वाई हो जाएगा, एक्स वाई, फाइव एक्स इंटू फोर एक्स स्क्वायर, फाइव इंटू फोर ट्वेंटी, एक्स और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बन जाएंगे, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब होता है पावर जुड़ती है, इसका पावर वन है, इसका पावर टू है, एक्स क्यूब, ऐसे फाइव एक्स इंटू माइनस फोर एक्स वाई जेड क्या होगा, फाइव इंटू माइनस फोर कर दीजिए माइनस ट्वेंटी, एक्स और एक्स वाले को एक्स स्क्वायर कर दीजिए, वाई और जेड ऐसा रह जाएगा, फाइव ये माइनस ट्वेंटी एक्स स्क्वायर वाई जेड, यानी कि हमने किया क्या, ये फाइव इंटू फोर तो ट्वेंटी हो गया, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बस बचा, बाकी तो खैर वाई और जेड है, इसके साथ कुछ है नहीं, तो बस इसके पावर जोड़ दिया हमने वन और टू, तो एक्स क्यूब आ गया। मल्टीप्लाइंग थ्री और मोर मोनोमियल्स, तीन या तीन से अधिक मोनोमियल को मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे टू एक्स है, फाइव वाई है, सेवन जेड है, तो फाइव टू जै टेन, टेन सेवन जा सेवेंटी, ये आपका सेवेंटी हो गया। अब एक्स है, वाई है, जेड है, कुछ कॉमन टर्म नहीं है, तो एक्स वाई जेड कर देंगे, देखिए जब हम फोर इंटू फाइव इंटू सिक्स करेंगे, फोर इंटू फाइव इंटू सिक्स होगा 120, राइट। अब देखिएगा कि x यहां पर है, एक्स स्क्वायर यहां पर है, एक्स क्यूब यहां पर है, तो x लीजिए, एक्स स्क्वायर लीजिए, एक्स क्यूब करिए, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर जुड़ जाएंगी, थ्री प्लस टू प्लस वन, एक्स की पावर सिक्स। अब y पे आइए, ये y है, ये वाई स्क्वायर है, ये वाई क्यूब है, वाई इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, ये वन है, वन प्लस टू प्लस थ्री सिक्स, वाई की पावर सिक्स। तो हम इसको एक्सटेंड कैसे कर रहे हैं, फोर इंटू फाइव इंटू सिक्स अलग हो गया, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब अलग कर दीजिए, और वाई इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब अलग कर दीजिए, तीनों का एक अलग अलग करिए, आपको बहुत आसानी से 120 एक्स की पावर सिक्स, वाई की पावर सिक्स मिलेगा। आपको ये टेबल कंप्लीट करना है, ये
एरिया ऑफ रेक्टेंगल है जिसके लेंथ और विड्थ दिए हुए हैं, ये 5 × 15 15 xy, ये 9 × 4 = 36 y और y² y³ हो जाएगी, ये 5 × 4 = 20 a के साथ कुछ नहीं है तो a लिख दीजिए, b के साथ ये b है तो b² हो जाएगा ये, और c अलग से है। इसी तरीके से 2 × 3 = 6 6 हो जाएगा, l² × l l³ हो जाएगा, और m × m² हो जाएगा m³, ऐसे आएगा। आपको वॉल्यूम निकालना है हर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का जिसका गिवन है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है 2ax × 3by × 5cz ऐसी बाकी। तो ये वाला कर लेते हैं, ये वाला मैं बताता हूँ आपको। इसमें देखिए m कितना है, m² है और m है तो m³, m हो गया। अब n देखिए, n² n³। अब p देखिए, p और ये p² कितना हो गया, p³। पावर जोड़ रहा हूं बस मैं, m³ n³ p³, ऐसी बाकी दोनों है। हमको मल्टीप्लाई करना है एक मोनोमियल को पॉलिनोमियल से, मोनोमियल मतलब एक टर्म, पॉलिनोमियल एक से ज्यादा टर्म, जैसे ये 3x है और ये 5y+2 है, ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, बाइनोमियल मतलब क्योंकि मोनोमियल है बाइनोमियल है, एक से ज्यादा टर्म को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो यहां पर क्या हो गया 3x × 5y, तो क्या करेंगे 3x को पहले 5y से कर लेंगे प्लस 3x को 2 से कर लेंगे, तो 3x × 5y हो गया आपका 15xy, फिर 3x × 2 हो गया आपका 6x। जैसे अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखें तो 7 × 106 करना चाहें, 106 को क्या लिख सकते हैं 100 × 6, ये 7 × 100 100 700 और 7 × 6 = 42, 7 × 42 = 742। ऐसे 7 × 38 करना है तो 38 को हम 40 − 2 लिख सकते हैं, 7 × 40 हो गया आपका 280 और 7 × 14 हो गया 14, तो 280 − 14 आपका 267 आएगा। इस जगह हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का उपयोग किया है। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को थोड़ा और आगे हम बढ़ाएं, तो हमने क्या किया, -3x को पहले -5y से कर दिया, फिर -3x को 2 से कर दिया, दोनों को जोड़ दिया। इसको करके दिखाता हूँ, -3 × -5 हो गया 15, इस तरीके से -3 × 2 हो गया 6, ये x × y है तो xy आ जाएगा, ये आपका x × कुछ भी साथ में नहीं है तो x हो जाएगा, ऐसी इस तरीके से होंगे। हमको मल्टीप्लाई करना है एक मोनोमियल को बाय ट्राइनोमियल, बात सेम है। हमको करना क्या है, जैसे हमने कहा, अब मैं एग्जांपल इसका दूंगा आपको, जैसे 3p है, अंदर 4p² + 5p + 7 है, तो 3p को 4p² से मल्टीप्लाई कर दीजिए अलग से, 3p × 1 करके दिखाता हूँ, 4p² कितना हुआ, 4 × 3 = 12 हो गया ये, और p × p² कितना हुआ, पावर जोड़ रहे हैं 2 + 2 + 1 कितना हो गया p³, ये आपका 12p³ आ गया। दूसरा देखिए 3p × 5p, 5 × 3 = 15 15 आ गया, और p² हो गया। ऐसे 3p × 7 करेंगे तो 3 × 7 = 21 21p, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम हर एक टर्म का जो ट्राइमोनोमियल है उसको मोनोमियल से, उसके बाद हम ऐड कर दे रहे हैं। हमको सिंप्लीफाई करना है इस टर्म को, तो मैं ये लेके चलता हूं आपके लिए। अब देखिए 3y × 2y कितना होता है, 3 × 2 = 6 6y² अब 3y − 7 मतलब 7 × 3 = 21y, ऐसे यहां पर −3 × y बस कुछ करना नहीं है, −3 × y − 3y, ऐसे −3 × −4 कितना हो जाएगा आपका 12, तो ये आपका 12 आ गया, और −63 तो है यहाँ पर, राइट। अब 12 − 63 कितना होता है 51, 6y² − 24y − 51 आ गया, y की जगह −2 रख दीजिए, y की जगह −2 रखेंगे तो ये −2² 4, ये −2 यहाँ पर रख दीजिए, 6 × −2² − 24 का ये −2 और −51, तो ये 6 × 4 = 24 24 × 2 − 51 इनको जोड़ दीजिए आपका 21 आ जाएगा। ऐड करेंगे इन टर्म्स को, ऐड कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इनको रिजॉल्व कर लेंगे उसके बाद हम ऐड करेंगे। जैसे मैं ये वाला टर्म लेके चलता हूँ, 4y × 3y² पहले कर लीजिए, कितना आएगा 4 × 3 = 12 y³, फिर 4y × 5y कितना हुआ 4 × 5 = 20y² 20y², फिर 4y × −7 यानी कि −28y, अब इसको लेते हैं 2y³ − 4 × 8y² और 5 × 10 10 आ गया, ये आ गया। अब लाइक टर्म को ऊपर नीचे लिख देंगे, इन दोनों के लाइक टर्म को साथ में लिख देंगे, इसके साथ 12y³ 2y³ लिख देंगे, इसके साथ 20y² − 8y लिख देंगे, इसके साथ कोई टर्म नहीं है तो इसको अलग लिख देंगे, इसके साथ कोई टर्म नहीं है तो अलग लिख देंगे, इसको अलग और इसको अलग, 12y³ और 2y³ को ऐड करना है, 12 और 2 = 14, 20 और −8 मतलब 12y², ये −28 यहाँ पर +10 ये आपका आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों को, तो पहले हम इनको रिजॉल्व कर लेंगे, 3pq × p क्योंकि एक pp का टर्म है तो p² हो जाएगा, 3p² q, यहाँ पर 3pq × q, यहाँ पर q का एक एक टर्म है तो 3pq²
यहाँ लीजिए 2PQ into P, यानी कि PP है तो P स्क्वायर, 2P² Q, यहाँ पर 2PQ into Q यानी कि Q स्क्वायर, तो 2PQ² अब दोनों को नीचे लिख दीजिए लाइक टर्म्स को, क्योंकि P² Q लाइक टर्म है, PQ² लाइक टर्म है, 2 और 3 है। अब ये माइनस, इसका साइन आप माइनस कर दीजिए, इसका प्लस कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 - 3 - 1 और 2 + 3 आपका 5, बस ये आ जाएगा आपका। मल्टीप्लाई करना चाहेंगे पॉलिनोमियल को बाय पॉलिनोमियल, अब ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, मल्टीप्लाई करना है, इसको भी उसी तरीके से करना है। पहले 3a को उठाइए, इन दोनों से इनसे मल्टीप्लाई करिए, फिर 4b को उठाइए, इससे मल्टीप्लाई करिए, कैसे, 3 into 2a is 6a square, 3 into 3b is 9ab, फिर प्लस का साइन लेके, क्योंकि इसके बाद प्लस का साइन लगेगा, प्लस का साइन, फिर 4b into 2a 8ba, फिर 4b into 3b is equal to 12b square। अब अगर 7 के टर्म्स दिख रहे हैं तो उसको जोड़ दीजिए, जैसे 9ab और 8ba, ab ba एक ही बराबर है, 17ab आ जाएगा, ab = ba बराबर, ये आपका फाइनल टर्म हो जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन या पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल से करते हैं तो हम हमेशा लाइक टर्म देखते हैं, बाद में उसको कंबाइन भी कर देते हैं। जैसे अब इसको मल्टीप्लाई करना है, हम ये वाला लेके चलते हैं, x into 3x, मतलब आपको करना क्या, मैं इसको पहले खोल के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले x लेंगे और इसको 3x + 5y से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x into 3x + 5, फिर आप माइनस y लिखेंगे और फिर इसको इसी को 3x + 5y से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x into 3 3x², x into 5y 5xy, ऐसी माइनस y के साथ -3x करेंगे तो माइनस टर्म है, -3xy, ऐसे माइनस वाई को 5y से करेंगे तो 5 आएगा, माइनस भी आएगा, साथ में y² हो जाएगा। अब ये दो टर्म है 5xy और 3yx, xy, yx बराबर होते हैं, ये आपका 2xy आ जाएगा, ऐसे आएगा ये, इनको मल्टीप्लाई करना है, हम ये लेके चलते हैं। ए स्क्वायर को सबसे पहले ए स्क्वायर को लीजिए 5a - 3b से करिए, फिर प्लस का साइन लगाइए, 2b² को करिए 5a - 3b से, तो a² into 5a 5a³, a² into -3b - 3a²b, 2b² into 5a 5 × 10 b² a, इस तरीके से 2b² को -3b से करेंगे तो -6bq। इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो ये हमारे लाइक टर्म नहीं है, तो यहीं पर रुक जाएंगे हम लोग। मल्टीप्लाई करना है आपको बाइनोमियल को किसी ट्राइनोमियल से, बाइनोमियल को आपको करना है ट्राइनोमियल से, बात बिल्कुल सेम रहेगी, आपको एक एक टर्म उठाना है यहाँ का, इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है और बस ये साइन लगाते चले जाने। कैसे करेंगे, सबसे पहले a into a² + 3a + 5, मतलब इस a को इससे, फिर इस 7 को प्लस लगा दीजिएगा, फिर बीच में +7, फिर इसको इससे पूरे को, तो ये दो बार आया है, और पहला वाला टर्म इसका लिया, फिर इसके बाद 7 यहाँ पर लिया, बस अब नॉर्मल तरीके से करेंगे, a² होगा a³, a into 3 होगा 3a², a into 5 होगा 5a, अब यहाँ आते हैं 7a², ये 7 into 3 21 21a, और 7 × 5 = 35। अब लाइक टर्म जोड़ दीजिए, a क्यूब के साथ कुछ नहीं है, लेकिन 3a² और 7a² साथ में लेंगे, ये आपका 10a² आएगा। इस तरीके से 5a + 21a लेंगे, आपका 26a आएगा, बाकी 35 तो है, ये आपका फाइनल हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, कैसे करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, a को पहले 2a - 3b + c, प्लस का साइन लगाएंगे प्लस b, b का इसके साथ 2a - 3b + c, अब इसको कर लेंगे 2a² - 3ab + ac, इस तरीके से 2ab - 3b² + bc, अब इनके लाइक टर्म्स देख लेंगे, उनको जोड़ देंगे, जो -3ab है 2ab है, 2 - 3 होता -1, इस तरीके से आ जाएगा। अब अगला टर्म लेंगे, पहले इसको ले कर लेंगे, फिर इसको ले लेंगे 2a into c 2ac, -3b into c - 3bc, अब इसका करेंगे, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट का साइन है, सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे तो बस इसके सारे साइन चेंज करके इसके साथ जोड़ दीजिए, ये वाला टर्म यहाँ से उठा लिया यहाँ तक, उसके बाद माइनस किया, माइनस का मतलब ये है सारे साइन चेंज करेंगे, -2ac हो जाएगा, ये +3bc हो जाएगा। लाइक टर्म आपके bc 3bc है, ये ac - 2ac है, ये bc + 3bc 4abc और ac - 2ac आपका ac, ये फाइनल हो जाएगा। व्हाट इज एन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या है, जैसे आप एक इक्वालिटी देखिए, हमने कहा a + 1 * a + 2 आपका a² + 3a + 2 आता है, एक काम करेंगे इसमें इक्वालिटी चेक करने के लिए, जरा a को 10 रख दीजिए, इसमें रखिए 10 + 1 = 11, 10 + 2 = 12, 11 × 12 कितना हो गया 132, राइट हैंड साइड में आएंगे यहाँ पर 10 रखेंगे, 10² + 3 × 10 + 2 कितना हो गया 100 + 30 + 2 यानी कि 132, दोनों साइड बराबर हो गए। इसी तरीके से -5 रख के देख लीजिए, आप देखेंगे कि चाहे हम -5 कोई भी टर्म लिखेंगे, हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएगा,
तो इसका मतलब ये हुआ कि LHS और RHS अगर आपके बराबर है और ऐसी इक्वालिटी हर एक वेरिएबल के लिए अगर ट्रू है किसी भी वेरिएबल के लिए, तब इसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। ये आइडेंटिटी तभी है, ये इक्वेशन ट्रू तभी है किसी वैल्यूज के लिए, वेरिएबल के लिए, अगर ये हर एक वेरिएबल के लिए सही है। लेकिन अगर किसी किसी वेरिएबल के लिए अगर ये सही है तो ये इनइक्वालिटी नहीं हुई, ये आइडेंटिटी नहीं हुई, ये आइडेंटिटी नहीं हुई। तो इक्वेशन क्या होगी इसकी, जैसे ए स्क्वायर प्लस थ्री ए प्लस टू करता हूं मैं, ए की जगह 10 देते हैं, क्या आएगा, ए की जगह 10 देंगे तो आप देखिए आपका क्या वैल्यू आती है, 132 आती है क्या, चलिए करके देखते हैं। 10 स्क्वायर प्लस 3a, अभी अभी हमने देखा आ चुकी है, फिर भी हम एक बार और कर लेते हैं। 10 स्क्वायर है 100, यह 30, यह 2, 132 आ गया, बिल्कुल सही हो गया। लेकिन अब जरा ये माइनस 5 रख के देखिए यहाँ पर, क्या आपका 132 आता है, नहीं, a माइनस 5 रख दीजिए, a 0 भी रख दीजिए तो भी नहीं आएगा। देखिए 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2 इज नॉट इक्वल टू 135, तो ये आइडेंटिटी नहीं हुई। स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज क्या होता है, कुछ आइडेंटिटीज देखेंगे जो हमको बहुत यूजफुल होंगी। ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बाइनोमियल को किसी और बाइनोमियल से तब आती है, जैसे a प्लस बी, ये है a प्लस बी और a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू a प्लस बी क्या है, हम कह रहे हैं ये a प्लस बी होल स्क्वायर, कैसे, a प्लस बी इसको अलग अलग लिख दीजिए, ये a इंटू a, ये मतलब a लीजिएगा फिर a प्लस बी कर दीजिए, इस तरीके से b लीजिए a प्लस बी करिए, तो a स्क्वायर ए बी, ये b स्क्वायर, ये ए बी मतलब b a और ए बी के बराबर है, और ये b स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो मिल गया, ए बी प्लस बी ए बी, ए बी और बी ए दो मिलकर 2ab हो गए, यानी कि ए प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी से, क्योंकि जो एक्सप्रेशन है राइट हैंड साइड का वो आया है लेफ्ट हैंड साइड से एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन पे, तो वेरीफाई भी कर सकते हैं इसको। जैसे मैं ए माइनस बी होल स्क्वायर कहूँ, ये कुछ है माइनस बी इंटू ए माइनस बी है, यानी ए इंटू ए माइनस बी माइनस ऑफ बी ए माइनस बी, देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी और ये माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए बी ए प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये माइनस ए बी और माइनस बी ए क्या गया हो गया माइनस टू ए बी, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ए प्लस बी ए माइनस बी इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे एक एक टर्म को, तो आपके पास आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपकी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है। मैं फिर से बता दूं, ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन आइडेंटिटीज आपको बहुत याद रखनी है। अब थोड़ा सा x की x प्लस a x प्लस b करते हैं, तो x प्लस a प्लस x प्लस a और x प्लस b को प्रॉपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे ये आएगा x स्क्वायर और a प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी करेंगे, ये आपका मल्टीप्लीकेशन से आएगा। अब अप्लाई कैसे करें आइडेंटिटीज को, अगर हम जो आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसको हम अल्टरनेटिव तरीके से अप्लाई करना चाहे, जैसे 2x प्लस 3y होल स्क्वायर है, इसमें करना क्या है, मल्टीप्लाई करने की जगह आप सीधा इसको लिखिए 2x होल स्क्वायर 4x स्क्वायर आ जाएगा, 3y होल स्क्वायर 12 इंटू एक्स वाई ये 9y स्क्वायर आ जाएगा, और 2 इंटू 2x इंटू 3y ये वाली टर्म, ये आपका 12xy आ जाएगा। तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं हम x, इसको या तो मल्टीप्लाई करें प्रॉपर, देखिए एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को पहले 2x प्लस 3y से, प्लस 3y को फिर 2x प्लस 3y से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो ये एक ही बात है, डायरेक्ट आप डायरेक्ट लगा सकते हैं इसमें। तो 103 होल स्क्वायर कैसे करेंगे, 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब देखिए 100 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 3 ये 10,000 हो गया, ये 9 हो गया, और ये आपका 200 इंटू 3 यानी कि 600 हो गया, तीनों में जोड़ दीजिए 10609 आ जाएगा। इसी तरीके से आइडेंटिटी अगर हम लगाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो इसमें क्या करेंगे सीधा इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए दोनों को जोड़िए माइनस टू ए बी कर दीजिए, तो 16 की स्क्वायर प्लस 9 की स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 पी इंटू 3 की, ये आपका आ जाएगा। अगर 4.9 लिखना है तो 4.9 को क्या करना है आपको, 5.0 माइनस 0.1 इसका स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, ए और इसमें ए 5.0 है, बी आपका 0.1 है, डायरेक्ट आपका 24.01 आ जाएगा। आइडेंटिटी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हम लगाना चाहते हैं, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, सीधा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करिए, यानी ए स्क्वायर हो जाएगा 9/4 एम स्क्वायर, बी स्क्वायर हो जाएगा 9/4/9 एम स्क्वायर। 983 आपके पास है, 983 माइनस 17 का होल स्क्वायर,
तो 983 प्लस 17 इनटू 983 माइनस 17, यानी कि आप 983 प्लस 17 ये आपका कितना आएगा 1000, 983 माइनस 17 966, यानी कि 966000। 194 और 206 को लंबा मल्टीप्लाई करने की जगह 195 को लिख दीजिए आप 20 माइनस 6, इसको लिख दीजिए 200 प्लस 6, 200 माइनस 6 200 प्लस 6, यह है ए माइनस बी, ये है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 200 का होल स्क्वायर हो गया 40,000 और 6 का होल स्क्वायर हो गया 36, 4000 में से 36 माइनस करिए 39964 आएगा आपका। इस तरीके से हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे और आपको ए प्लस एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए भी आएगा। तो इसको कैसे करेंगे, 501 और 502 को करना है, 501 को लिख सकते हैं 500 प्लस 1, 502 को लिख सकते हैं 500 प्लस 2, ये x है इसमें, ये x है इसमें, a और b 1 और 2 हो गया, यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए x स्क्वायर 500 का होल स्क्वायर, a इंटू बी 1 इंटू 2 और इनका जोड़ a प्लस बी का 1 प्लस 2 इंटू 500 यानी कि x, ये आ गया। 95 इंटू 103 करना है, 95 को 100 माइनस 5, 103 को 100 प्लस 3, ये आपका a x प्लस a, ये x प्लस b, इसमें a जो है माइनस 5 होगा, बस ये ध्यान रखिएगा। सीधा इस फॉर्मूले में रख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यहाँ आपका 9785 आ गया। तो डिस्कस क्या क्या एक्सप्रेशन हमारे बनते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ, टर्म हम ऐड करते हैं एक्सप्रेशन बनाने के लिए और टर्म अपने आप में ये प्रोडक्ट हो सकते हैं अलग अलग फैक्टर्स के। एक्सप्रेशन जिसके पास केवल एक एग्जैक्टली एक टर्म होगा उसे मोनोमियल कहते हैं, दो होंगे बाइनोमियल, तीन होंगे ट्राइनोमियल। अगर इन जनरल बात करें तो इन सबको हम पॉलिनोमियल की श्रेणी में रखते हैं। लाइक टर्म होते हैं जिनके जो वेरिएबल्स हैं वो एक जैसे हों, जिनके पावर सेम हो, कोफिशिएंट जो लाइक टर्म के हो सकता है वो सेम हो ना हो। जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं पॉलिनोमियल को तो पहले हम लाइक टर्म के देखते हैं उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अनलाइक टर्म के साथ हम जो अनलाइक टर्म है उनका हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी सिचुएशन होती है जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमको एरिया निकालना है, रेक्टेंगल का साइड निकालना है, बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशन आपके आगे काम में आने वाले हैं। मोनोमियल जब हम मल्टीप्लाई करते हैं मोनोमियल से तो हमेशा हमको मोनोमियल मिलता है, जब मल्टीप्लाई करेंगे पॉलिनोमियल को मोनोमियल को तो हम हर एक टर्म को लेंगे पॉलिनोमियल के और उसको मोनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं पॉलिनोमियल का किसी बायनोमियल से या ट्राइनोमियल से तो हम मल्टीप्लाई करते हैं टर्म बाय टर्म, यानी कि हर एक टर्म पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई करते हैं हर एक टर्म जो बाइनोमियल या ट्राइनोमियल का है। ध्यान रखिएगा इस मल्टीप्लिकेशन में हम ऐसे टर्म ला सक मिल जाएंगे हमें जो लाइक हो उनको हमें जोड़ना पड़ेगा। आइडेंटिटी एक ऐसी क्वालिटी है जो किसी भी वेरिएबल के लिए दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ट्रू हो, जबकि इक्वेशन एक ऐसी चीज है जिस जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड तभी सेम होंगे जब लेफ्ट हैंड साइड में स्पेसिफिक वैल्यू वेरिएबल में दी जाएगी। हमारी तीन स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज है ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और ए प्लस बी इंटू ए प्लस ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक और आपकी आइडेंटिटी है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये हमारे बहुत काम आती है।